नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर सरकार चाहे जितनी भी सख्ती बरते, लेकिन ऐसे अपराधों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाने के ब्राह्मणपुर गांव का है, जहां महिला के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर महिला और उसके पति के साथ विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि करीब आधा दर्जन लोगों ने रात करीब 3 बजे के आसपास महिला के घर पर धावा बोल दिया। और महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई और महिला को बचाने में पति के दोनों हाथ भी बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद परिजन दोनों को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फतेहपुर के लिए रेफर कर दिया। और फतेहपुर में फिलहाल महिला और उसके पति की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन महिला का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका है। पीड़ित के पति की माने तो उसके रिश्तेदारों से कुछ विवाद था और उसका भतीजा हमेशा उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दिया करता था। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। एक दिन पहले माँ तारीख आती नंगी वीडियो माँ लड़का बनाया तो आदमी का दे थी। जब से हम डेली रात मारा पीछे पड़ी है। पहले एक दिन पहले लड़ाई भी तो हमारे आदमी का खूब मारे 4-5 जने घसीट के। फिर दूसरे दिन वही रात आगे लगा दी हमारे। मिट्टी का तेल डाला तुम्हारे? कितने लोग थे? 6 जन। कहाँ के रहने वाली हो? ललौली के बगर मामा बड़ी जेठानी। विवाद की वजह क्या थी? विवाद की यही है कि नंगे वीडियो बना रहे। किसकी? हमारे। उसका ब्लैकमेल करता है? हाँ। क्या कहते हैं? माता की नंगी वीडियो बना बनाए का पेश कह दे रंडे पेशा ना कर पाई है। वीडियो तुम्हारी क्या नहाते हुए बनाई थी? हाँ, घर जुड़े हैं मैं काम मालूम कैसे साफ बना ली। ब्लैकमेल करते हैं? ब्लैकमेल करता है। आदत है सब लड़कन को रंडी बाजी में निकाले है। किस तरह से? चाहे तुम गुंडे बाजी में करो लौंडिया बाजी करते हैं। कैसे ब्लैकमेल कर रहे थे आपको? हम तो ब्लैकमेल नहीं करते हैं, ये कहते हैं तुम्हारा नंगी वीडियो बना धरे तो, सब सब। तो ये आग कैसे आपको लगा दी उन्होंने? विवाद आपने इसका विरोध किया? नहीं, कोई बताए तो है एक दिन पहले लड़ाई हुई है यही विरोध के खाते कि नंगी वीडियो धरे हैं। नहीं, मामला यही है कि जैसे लड़ाई भिड़ाई हो गई तो यही बोलते हैं कि तुम्हारी औरत की मैं वीडियो बना हूँ, चलो चाहे थाना चलो चाहे अदालत चलो, मैं हर जगह पेश कर। इस तरह की वीडियो अब वो नहीं दिखाया। अब इस गया थाने गया, मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, वापस फिर आ गया। फिर सब लोग मिलकर मुझे मारे। तुम्हारे घर में घुस के मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी? हम लोग सो रहे थे, ठीक है। अब वो जब चिल्लाए, जब हम भागे, ठीक है, कितनी जल्दी निकल के भागे, ये देखा कोई गया। क्या देखा आपने? क्या देखा? यही देखा कि कोई भागा, नींद में भागे हम, कोई 3 बजे के नींद में भागे। जो आग लगा दी उसको? आग लगा दी। पुलिस के पास जाओगे? जलाने से पहले सर जी गए थे थाने, एक एप्लीकेशन किया था, ठीक है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तब ये बाद में रात में केस हुआ। तो रात में उन्होंने क्या हुआ था इनका? एक दिन पहले इन लोगों को पारिवारिक झगड़ा हुआ। ये लोग भाई इनके भौजाई और भतीज और इनके भतीजी मिलकर इनको मारे थे। इन्होंने बोला तो इनको भी मारे। और रात में जब इन लोग सो गए, ये तो सो रहे थे, इनका पारिवारिक झगड़ा एक दिन पहले आग लगाने से पहले हुआ। तो इन लोगों ने 4-5 लोग मिल के इनको मारा पीटा, इनको काफ़ी मारे। और मारने के बाद इनको भी हाथा बहुत किया। और उसके बाद रात में ये लोग जब सो गए तो इनके घर में घुस के मट्टी तेल छिड़क के इनके घर में आग लगा दिया। ये सो रहे थे, इनकी आग खुली तो इन्होंने जाके बचा दिया। दोनों लोग झुलस गए? हाँ, झुलस गए। जलाया कौन है इनके? इनके भतीजे, भाई के लड़का है और भाई। जली महिला तो आई है परवीन नाम की, और उसका हस्बैंड है रफीक। परवीन जो जली हुई है वही, और रफीक में ज़्यादा जला नहीं, उसके हाथ ही जले हैं बता रहे हैं। महिला की हालत सीरियस है? नहीं, सीरियस इतना तो नहीं। अभी सर्जन को हमने बोला हुआ है आगे पर। कितने परसेंट तक लगभग जली हुई है? लगभग वही 35-40% के बीच में। और रफीक जो है उसका वही 12% के आसपास हुआ है, क्योंकि बोल रहा है कि हमें बचाया तब जल।
बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि कैसे किसने जलाया, हम लोग अपना आइडिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।